हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक होंगे आई होप। आज अफसोसनाक खबर ये है कि मेरा हाथ जल गया। मेरी नंदों के खाने पे रुकी थी, मेरी नंदे और मेरा खाना, अब मैंने अकेले कुकिंग करी, कोई नहीं आया मेरे पास। तुम क्यों आती रही मैं रो रहा के व्लॉग बनाऊंगी ना, अभी नंदों को दिखाओगे कितना जुल्म करती है नंदे मेरे ऊपर। देखो हाथ जल गया, अभी दिखाती हूँ हाथ। जो ये मेरा हाथ, ये मेरा नजर नहीं आ रहा कैमरे में, मेरे सोचे दिखा बेटा, ऐसे करके ना सही से दिखाओ जरा, ऐसे करो। ये ना देखो हाथ, ये देखो ये वाला है हाथ जला, यहाँ से पूरा हाथ जल गया। वल्ला तो थोड़ा सा और जला के लाल हो जाएगा, नजर आ तेरी थोड़ा सा और जला लो, कैसी हालात पैदा करिए, काटना पड़ जाएगा इतना सारा तो मुझे। हाँ तो यार देखो मेरा हाथ जला, मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ठीक है ना? क्योंकि मैं और ये सारी लड़कियाँ हमारे घर की ऐसी बैठी हुई थी, कोई आया, कोई दुख मेरे दुख में शामिल नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ा दुख था मेरा, ना शाजमा आई, ना मीरा आई, ना हमारी बहू आई उठ के हाथ जला, ना मेरी दोनों नंदे आई, ना नंदों की बेटियां आई। मैं बहुत तकलीफ पे हूँ, आपको नहीं पता यार, हाथ जल गया बस कुकिंग पे ना, बहू होने पे हाथ लग गया, पता नहीं कैसे लग गया, क्या मैं करी थी बेध्यानी में लगा। और आप लोग सुनाओ कैसा लगा आप लोगों को मेरा पहले वाला व्लॉग? सही लगा हो तो प्लीज़ उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। मेरे में तो कैसे जोश और खोश से खेल रहे हैं बच्चों के साथ, क्योंकि उनके पास कोई बच्चा नहीं खेलने के लिए सिवाय बच्चों के। कहाँ जा रही हो अंदर? ठीक है ओके बाय। मैंने बनाया है चिकन कौरमा, ठीक है, मटर का पुलाव, कबाब, सलाद एंड रायता सबके लिए। ये चेक करें, ये अब्बू को देखें हमारे, ये हमारे अब्बू मेरी हंडिया को झाँक के नज़र लगा रहे अब्बू, है ना अब्बू? क्या हुआ देखो तेरी बेटी आई, कैसे पका रही हूँ मैं अकेली, देख रहे हो ना लगन सत्ता अब्बू। ये रुशना का खाना है माशाल्लाह से, मैं जब खाना बनाती हूँ ना बहुत दिल से बनाती हूँ सबके लिए, दिल से बनाती हूँ, मुँह छिटा के खाना भी दिल से। मैंने अच्छे खाने नहीं बनाती, सबको बताओ मैं खाने कैसा बनाती हूँ, बताओ अब्बू बोलो। अच्छा बनाती है, जोर से बोलो। अच्छा बनाती है? हाँ बोलो, मेरी बहू बहुत अच्छा खाना बनाती है। मेरी सब बहू अच्छी है। नहीं खाने को बताओ। खाने ये ससुर बनाती है। हाँ देखा, खाना मेरे ससुर को मेरे हाथ का बहुत पसंद है। खाना खा लिया आपने क्या? हाँ। अच्छा तो बस मैंने खाना मेरा बन गया, रेडी हो चुका है, थोड़ा सा ग्रेवी कर लूँ, क्योंकि मैं जब नहीं होते लोग तो मैं ग्रेवी नहीं करती, बस इसी में पूरा कर लेती हूँ मैं, और जब लोग होते हैं ना तो फिर थोड़ा सा मैंने ग्रेवी कर ली, क्योंकि मैंने बाजी की फैमिली को भी रोक लिया पूरा। मैं कहनी आप लोग अभी यहीं पर ही, हम मेरे पास ही खाना खा के जाइए आप लोग ना। तो दोनों बहनें हो गई, दो ही बहनें हैं बस, ये मेरी नन और मेरी बड़ी नन और छोटी नन बस। तो ये हो चुका है, अब इसको दम पे रख देती हूँ बस, इंशाल्लाह। आई लव कोरमा। ये चेक करो गाइस, ये है अभी मैं वही खोलती हूँ, ब्राइटनेस। ब्राइटनेस कहाँ से खुलती है यार, ब्राइटनेस खोलती हूँ फिर बताती हूँ। हाँ खुल गई, करो वाह। ठीक है ये मेरा कोरमा हो गया रेडी, बस बच्चे रोटी लेने गए, रोटी लेके आ जाते हैं फटाफट से, पुलाव तो मेरे लिए है, ठीक है ये भी हो गया, ये भी हो गया, कबाब पुलाव सलाद रायता एवरीथिंग इज़ ओके। अब्बू ने कहा तारीफ करी, अब्बू को मेरे हाथ के खाने बहुत, अब्बू को भी और अम्मी को भी, दोनों को मेरे हाथ के खाने बहुत ही पसंद है इन लोगों को ना। हेलो बेबी, हेलो हमदान, किक्की गोम में हो, भैया की गोम में हो, भैया की गोम में कहाँ कर लियो? ये देख लो, ये देख लो हाथ जल गया मेरा, अपना ही दिखा, मैं तुम लोगों के खातिर खाना बनाया, तुम तो अपनी मैं के लिए जली हो ना, मैं तुम लोगों के लिए जली हूँ, देखो हो ही अफसोस भी नहीं कर रही, कह रही चलो आओ आओ आओ, और वो चल भी नहीं रही। अच्छा ये देखिए ऐसी नंदे होती है, देखिए आप अपने काम से उसको मतलब है, मैं बोल रही हूँ तुम्हारे खातिर जली हूँ, हाथ जला कोई बात नहीं, खाना अच्छा होना चाहिए बस, हाथ से क्या हाथ तो सही हो जाएगा। सुने उस दिन आपने मुझे नींद से उठा के बोला मेरी बहन आयशा खाना बना लो, ओके रे हाथ तो क्या हो, खाना अच्छा होना चाहिए। गाइस ऐसी होती है नंदे, देखना आप लोग आइंदा कभी नंदे ना बनाना अपनी। गाइस देखिए कितना अच्छा लग रहा है हमारा खाना, गाइस अधिक हमारे हमारा खाना खा लिया, मटर का पुलाव है, सलाद है, कबाब है और मेरा कौरमा। हाँ जी सबने खाना वाना खा लिया है माशाल्लाह, सबको खाना बहुत बहुत पसंद है। मेरे बाप बता आपको कैसा लगा खाना? बहुत अच्छा लगा। बताओ पुलाव कैसा लगा आपको? अच्छा था, वही खाया है बस मैंने। वही खाया तुमने, कोरमा नहीं खाया? नहीं मैं कोरमा नहीं खाया। अच्छा और यार बस खाना खा लिया, बड़ी सी बस चाय बनाते आ गई शादी, सब चाय मांगे आ रहे, चलो खाना शादी में भी खा लिया। सब तुमने क्या खाया? कोरमा।
मेरे बदले का कोरमा इससे खाया है, पुलाव मैंने इसके बदले का खाया है। चलो मेरे मेहनत उसे लोगों की कसम से, मैंने इतनी दिल से बनाया था ना सबके लिए कि इंतहा नहीं है। मेरा इतना कैमरा हिला रही है कि मैं भी ऊपर नीचे मुझे सब पता है कि मेरी बेटी की चला गया और कुछ ही नहीं है। करने लगी अपनी अम्मी का फाइनल हो चुका, अम्मी घर जा रही हूँ इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। ये देखें और होए तो साथ पे रख दो मेरा। चाय पकना शुरू हो चुकी है हमारी। कप में आज न्यू लेके आई थी, मैंने आप लोगों को दिखाए थे, खूबसूरत से मेरे कप थे मेरे। और ये हमारी चाय शरीफ, चाय निकालते हैं, सबको चाय देते हैं। अम्मी यहाँ पे मेरा डस्टबिन साफ कर रही है ताकि हम रात को बाहर रख देते हैं। और डस्टबिन हमारा इतनी सफाई से आता है, भंगी इतनी भंगी नहीं बोलते उसको, हिरोंची हिरोंची आता है, वो चोरी करके ले आता है हम लोगों का ना। तो ये होता है कुछ कहानी इस तरह से। तो चाय बनती है, मेहमानों को जब चाय वाय देते हैं फिर बात करते हैं। सही ये चक्कर चाय कैसे उबर रही, चोस 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 ये हो गई। मैं चाय ले रही खूबसूरत सी कड़क चाय, लेके चलते हैं फटाफट से मेहमानों को देते हैं। मेहमानों को देने के बाद फिर आप लोगों से बात करते हैं बैठ के, थोड़ी सी चाय मेरी बन गई है लेके चलते हैं। बोलो बोलो क्या है। मुझे सबसे बुरा दुनिया में वो लगा जो क्रेन से लटक कर शूट हुआ है ना, सबसे बुरा वो शूट है, सबसे जो क्रेन पे आधे अधर में लटक चुके हैं और भले गिर जाए हम नीचे किसी को कोई परवाह नहीं है, लेकिन हम लटक गए। बलून देखे ना हमने, अब ये सबसे कोई बलून ने उठाया हुआ था उसको या उस क्रेन ने उसको उठाया हुआ था। बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। अचानक से ढोलकी शुरू हो गई थी घर में क्योंकि इंग्लैंड आई थी, मैंने खाने पीने का दूसरी मंदी आ गई थी माशाल्लाह। तो खाना खाकर अचानक से ढोलकी का प्रोग्राम हुआ, ढोलकी करी, इतना इंजॉय किया ना, हाथ ना दुख गए, ताली बजा बजा के ना दुख गए बहुत ज़्यादा। लेकिन हाँ बहुत इंजॉय किया, अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे। बस ये यही छोटी छोटी खुशियाँ होती है इंसान की जो हम एक दूसरे से बांट लेते हैं, बाकी तो दुनिया में कुछ भी नहीं होता। और मैं कैसी लग रही हूँ फिलहाल, पता नहीं कैसी लग रही हूँ, गाने गा गए वो जुड़ी हुई चमन हो गई होंगी पूरी। और शायद आप लोगों को मेरा कल का ब्लॉग ना मिले वो यूँ, क्योंकि कल मैं जाऊँगी अपनी अम्मी के घर, वहाँ रुकूँगी एक दिन, मैं अकेले जाऊँगी, बच्चे मेरे यहीं रहेंगे, अम्मी घर जाऊँगी एक दिन के लिए। और संडे वाले दिन आऊँगी अम्मी के घर से वापस ना, तो हो सकता है कि ब्लॉग ना बना पाऊँ, तो उसके लिए माजरत चाहती हूँ दिल से। मुझे पता है कि आप लोग रेगुलर ब्लॉग देख रहे हो तो। हाँ तो जी कल आ चुके हैं हमारा सेकंड डे, कल कहाँ थक गए थे, इतना अल्लाह बुल्ला किया, गाने गाए थे, क्या आवाज़ कैसी हो गई गाने गाए हम लोगों ने खूब, बहुत सारे ढोलकी, अचानक से ढोलकी हो गई थी, तो बहुत मज़ा किया, बहुत इन्जॉय किया। और इतना छोटा ही ब्लॉग होगा आज का, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ अपनी अम्मी के घर, हो सकता है वहाँ पर मैं ब्लॉग ना बना सकूँ, तो ये कि इसको यहीं से अपलोड करके फिर मैं निकलती हूँ, बस तैयार होती हूँ, वो मेरा निकाल लिया सदाबहार का ड्रेस पहनने के लिए,
वो ड्रेस पहन कर बस फिर निकलते हैं, ठीक है ना। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट्स कर देना, और लाइक अपने खानदान वालों से भी करवाना, ठीक है। वीडियो आगे शेयर कर देगा। बाकी तो ये सब ठीक है, अलहमदुलिल्लाह सब मज़े में, और कल के दिन का यादगार रहेगा, बहुत बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। अलग देखो मेरे तो भी मैंने भी कंगा भी नहीं किया, बस उठे हैं मोदो से सफाई फाई करी जल्दी, क्योंकि 11 बजे का टाइम देता था बहन को कि 11 बजे घर से निकलना था। बजे बस निकलते हैं, निकल के तो वहाँ पे पहुँचती हूँ, अकेली जाऊँगी, बच्चे तो यहीं हैं सारे, उनके घर में ही बच्चे, मैं अकेली ही जाऊँगी वहाँ पर ना। बस निकलते हैं, निकलने के बाद फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है जी। बाकी सबको मेरा यहीं पर अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, ठीक है। और मेरी फैमिली को और मुझे दुआओं में याद रखिएगा।